ना देने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये विषय है। आज एक प्राइवेट संस्था जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसको एक 6 एकड़ की जमीन और इतनी बड़ी बिल्डिंग लीज पर दे दी जाती है, जबकि ये शिक्षण संस्था सरकारी शिक्षण संस्था है। सरकारी शिक्षण संस्था को बचाने की जरूरत है। हमारे जो बॉयज कॉलेजेस है वो 5-5 कमरों के स्कूलों में चले जाएंगे छठ पक्ष, और इतनी बड़ी बिल्डिंग एक निजी संस्था को दे दी जाती है, ये बड़ी शर्म की बात है। इसके लिए समाज आज एकत्रित हुआ है, सारे सामाजिक संगठन, समाज का हर व्यक्ति तब तक ये लड़ाई लड़ेगा तब तक इस स्कूल को इस ठग से आज़ाद न करा दिया जाए। सरकार ने सिर्फ स्कूल ही प्राइवेट नहीं किए, पिछले दिनों में आपको पता है एयरपोर्ट से लेकर ट्रेन तक सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया। बहुत सारे पहले ही सरकारी स्कूलों का ये निजीकरण कर चुके हैं या बंद कर चुके हैं। सरकार की तो ये मंशा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन ये सरकारें भी प्राइवेट कंपनी हो जाएंगी। कल जो है हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और बहुत सारे लोगों ने यहाँ धरना रखा था, लेकिन इससे पहले जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं मेरे बेटे चिरंजीवी राव, मुख्यमंत्री जी से मिले थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है और मैं इसकी जाँच कराऊँगा। उसके बाद पेपर में आया कि भाई लक्ष्मण सिंह जी को जिम्मेवारी दी गई है, तो यहाँ के लोग वहाँ गए थे तो कहने लगे भी मेरे काबू से बाहर की बात। तो ये बहुत बेशर्मी की बात है कि जो ये स्कूल हमने लड़कियों का स्कूल बनवाया था, उसके बाद हमने गर्ल्स कॉलेज बनवाया, जब गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बन गई तो हमने गर्ल्स कॉलेज में वहाँ शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद सैनिक स्कूल आया तो सैनिक स्कूल की बिल्डिंग यहाँ चलती रही, तब तक तो हमें काम ठीक था। लेकिन अगर आप जो है एक प्राइवेट एनजीओ को देते हैं तो इसका मतलब आप हमारी संपत्ति, जो हमारे पुरखों की ज़मीन है, जिनकी ज़मीन आपने अक्वायर की थी शिक्षा के लिए, ये शिक्षा के लिए केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे शिक्षा के केंद्र को बेचा जाए।